आई होप यू हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन सो टुडे will विल स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक द ऑफ द डिविजिबिलिटी सो आपको पता है डिविजिबिलिटी क्या होता है डिविजिबिलिटी होता है कोई भी हमारा एक नंबर है uh, जैसे हम फिफ्टी फाइव ले लेते हैं कोई भी हमारा नंबर है अगर तो डिविजिबिलिटी होता है एक तरीके का मल्टीपल या उसको अगर हम उस नंबर से डिवाइड करें सपोज़ टू से तो टू से अगर हम फिफ्टी फाइव को डिवाइड करते हैं अगर हमारा रिमेंडर रिमेंडर ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल अगर रिमेंडर ज़ीरो है देन इट इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर और अगर वो नहीं आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय दैट नंबर तो यहाँ पर हमारे कुछ नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी हमें सीखनी है हम नंबर को देखकर और उसमें छोटा बहुत कैलकुलेशन करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर के डिविजिबल है या नहीं सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू तो ये बहुत ही ईजी होता है और आपने पहले भी पढ़ा होगा अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज़ ईवन अगर उसकी यूनिट डिजिट मतलब जो वंस डिजिट होती है अगर वो इवन है दैट इज़ इफ इट यूनिट डिजिट इज़ एनी ऑफ द डिजिट जीरो टू फोर सिक्स एट अगर इनमें से कोई भी एक डिज़िट है यूनिट वाली वंस डिजिट इनमें से कोई भी है फॉर ए नंबर इन जर्नलाइज फॉर्म देन द नंबर इज डिविजिबल बाय टू जैसे ट्वेल्व है यहाँ पे वंस डिज़िट है टू सिक्सटी एट वंस डिजिट इज एट नाइंटी सिक्स वन डिजिट इज सिक्स

कि अगर कोई नंबर थ्री से डिविजिबल है तो उस डिजिट के जो सम होगा मतलब जैसे ट्वेल्व है तो ट्वेल्व में कितनी डिजिट है एक वन है एक टू है तो वन प्लस टू करेंगे तो सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होगा थ्री तो ये जो नंबर है ना सम ऑफ विट डिजिट्स ये डिविजिबल होगा थ्री से तो थ्री थ्री के डिविजिबल है थ्री वन जी होता है तो ये थ्री के डिविजिबल है ठीक है अब जैसे और एग्ज़ाम्पल ले ले लेते हैं हम ले, ले लेते हैं वन ट्वेंटी 120 में क्या है 120 को अगर हम करेंगे तो 1 प्लस टू प्लस ज़ीरो दैट इज़ थ्री तो ये भी इसका भी सम थ्री आ रहा है तो ये डिविजिबल है 96 सिक्स नाइन प्लस सिक्स करेंगे तो क्या आएगा 15 15 थ्री का डिविजिबल है यस थ्री फाइव जो फिफ्टीन होता है तो हमें एक ऐसा नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर थ्री से डिविजिबल है या नहीं तो हमें क्या करना है उसकी सारी डिज़िट्स को थ्री से मल्टीप्लाई कर ओ, सारी डिजिट्स को ऐड कर देना है और जो वो सम आएगा अगर वो थ्री से डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री अदरवाइज नॉट या पहले भी पढ़ चुके हो बिल्कुल उसी तरह है थर्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय फोर फोर से कैसे करते हैं इफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय फोर इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स वंस एंड टेंस डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर और इफ़ इट्स वंस एंड टेंस डिजिट आर बोथ जीरोज देखिए इसमें दो केसेस हैं अगर आपकी डिजिट जो है वो उसकी वंस डिजिट और टेंस डिज़िट मतलब आप समझ रहे हो ना वंस पे पोजीशन पे जो है और टेंस पे जो है अगर वो दोनों उन दोनों को जो नंबर फॉर्म होगा उन दोनों को मिला के वंस और टेंस को वो अगर फोर से डिविजिबल है तो भी हम कर सकते हैं या फिर अगर आपकी वंस और टेंस डिज़िट दोनों ही ज़ीरो हैं तो भी हो सकता है जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ये थर्टी टू वंस डिजिट है टू टें डिजिट थ्री तो थर्टी टू थर्टी टू फोर की टेबल में जाता है यस फोर इट्स थर्टी टू तो ये डिविजिबल है हम और बड़ा डिज़िट लेते हैं तो वंस और टेंथ यहाँ पे दोनों डिजिट डी जीरो हैं दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय फोर यहाँ है देखते हैं टू फोर तो ट्वेंटी फोर तो यहाँ उसमें क्या आता है हम पहले पहला लास्ट डिजिट देखते हैं यहाँ पर दो लास्ट सेकेंड लास्ट और लास्ट दो डिज़िट देखते हैं यहाँ पे तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इज़ डिविजिबल बाई फोर यस तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा थर्टी अब नाइन थर्टी सिक्स इसमें भी थर्टी सिक्स देखेंगे वंस और टेंथ तो थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स फोर से डिविजिबल है यस yes. तो ये भी नाइन थर्टी सिक्स भी डिविजिबल होगा ठीक है अगर दोनों वंस और टेन जीरो हैं तो भी डिविजिबल और अगर वंस टेन डिजिट आपका डिविजिबल है फोर से तो आपका डिविजिबल तो ये दोनों केस को याद रख के हम पता कर सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है फोर के या नहीं नेक्स्ट <laughs> है डिविजिबल बाय फाइव अब फाइव की डिविजिबिलिटी तो सबको पता है कि अगर उसकी यूनिट डिजिट में ज़ीरो आ रहा है या फिर फाइव आ रहा है जीरो अगर फाइव जीरो है या फिर फाइव दोनों में से कुछ भी है देन इट इज़ डिविजिबल बाय फाइव नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबलिटी बाई नाइन नाइन का कैसे होता है अ नंबर है इज डिविजिबल बाय नाइन इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय नाइन तो नाइन थ्री का ही थ्री थ्री सा नाइन ही तो होता है तो ये बिल्कुल थ्री की तरह ही है इसमें क्या था कि अगर सम डिविज सम जो डिजिट्स का सम है अगर वो थ्री के डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है यहाँ पर बस ये है कि अगर सम जो है, तो है वो नाइन तो तो के डिविजिबल तो है देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय नाइन ठीक है जैसे हम 81 ले लेते हैं तो 81 को हम ऐड करेंगे तो 81 8 एट प्लस वन हो गया नाइन तो नाइन तो डिविजिबल है नाइन के नाइन वन से नाइन तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं यस जैसे टू टू फाइव है टू टू फाइव को हम करते हैं तो टू प्लस टू प्लस फाइव तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन आ गया तो नाइन तो नाइन के डिविजिबल है दैट मीन्स करेक्ट है एट जीरो वन भी एट प्लस एट प्लस जीरो प्लस वन दैट इज़ नाइन तो ये भी नाइन के डिविजिबल है तो ये सारे नंबर्स नाइन के डिविजिबल हैं हम इन्हें देख कर इनको डिजिट्स को ऐड करके ही हम बता सकते हैं हमें वो डिवाइड पूरा लॉन्ग डिवाइड करके चेक नहीं करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टेन तो टेन की डिविजिबिलिटी सबको पता है कि अगर उसकी यूनिट डिजिट में जीरो है देन इट इज़ डिविजिबल बाय टेन यूनिट डिजिट में जीरो नहीं है देन इट इज़ नॉट अगर है तो डिविजिबल है नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय इलेवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट डिजिट्स इज इवन प्लेसेस इज़ आई द जीरो और अ मल्टीपल ऑफ 11 तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए जै इन्होंने बोला है कि अगर आपको एक नंबर चेक करना है डिविजिबल बाय इलेवन तो आपको क्या करना है उस नंबर की जितनी भी ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं और इवन पे हैं दोनों को पहले अलग अलग करो फिर उनको ऐड करो और अगर उन दोनों को उन दोनों का डिफरेंस लो डिफरेंस मतलब माइनस करो अगर उन दोनों का माइनस ज़ीरो आता है या फिर एलेवन के डिविजिबल आता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय एलेवन जैसे हम यहाँ नंबर ले लेते हैं सिक्सटी सिक्स तो सिक्सटी सिक्स हमारी वंस प्लेस मतलब ये एक तरीके से ज़ीरो प्लेस ये है वंस प्लेस तो ये सिक्स ये ईवन है ज़ीरो ऑड है, इवन है और ये ऑड है वन तो हम क्या करेंगे सिक्स माइनस सिक्स करेंगे जीरो तो ये ज़ीरो आ गया दैट इज़ डिविजिबल एलेवन हम बड़ा नंबर लेते हैं फोर नाइन्टी फाइव तो फोर नाइन्टी फाइव है तो यहाँ पर क्या हो गई ये ज़ीरो प्लेस वंस वाली ये वन प्लेस हम पीछे से शुरू करेंगे ये है टू तो प्लेस ठीक है तो फाइव प्लस फोर ये ऑड पे ऑड प्लेसेस पे है ऑड प्लेस पे नाइन ईवन प्लेस पे फोर एंड फाइव तो फोर प्लस फाइव क्या होगा नाइन और हमको माइनस करना है तो नाइन माइनस नाइन क्या हुआ ज़ीरो तो ऑड प्लेसेस वाला और इवन प्लेसेस वाला दोनों का जितनी भी डिजिट है उनको ऐड करो फिर आपस आप में माइनस करो और अगर आपका नंबर ज़ीरो आता है या फिर डिविजिबल एलेवन आता है तो आप तो वो नंबर एलेवन के डिविजिबल है ठीक है अब आपको इसी से रिलेटेड आपकी ये पूरी एक्सरसाइज है यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग डिजिट दिस विच आर डिविजिबल बाय टू एंड थ्री तो इसमें आपको वन जीरो फ़ाइव है तो टू के डिविजिबल क्या क्या हो सकता है कि उसकी यूनिट डिज़िट टू फोर सिक्स एट ज़ीरो हो तो यहाँ पर तो वन ज़ीरो फाइव है तो मतलब यूनिट डिजिट ज़ीरो होनी चाहिए तो यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगी ठीक है थ्री थ्री में क्या होता है सम जो है वो क्या होना चाहिए थ्री के डिविजिबल होना चाहिए तो वन प्लस जीरो प्लस फाइव दैट इज सिक्स होता है ठीक है तो अब यहाँ पर दो पोजिशन नहीं आ रही समझ में तो या तो हम क्या कर सकते हैं वन फाइव लिख सकते हैं वन फिफ्टी या फिर फाइव वन जीरो क्योंकि यूनिट डिजिट तो फिक्स हो गई अब इसकी डिजिट तो फिक्स हो गई ये दो डिजिट रह गई हैं तो इनको हम ऐसे कर देंगे ठीक है तो अब आप देखो पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर्स आर 150 एंड 510 वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री ठीक है तो अब आपको एक ऐसा नंबर बताना था हाउ हमें नंबर थ्री फॉर्म बाय यूजिंग दीज विच आर डिविजिबल बाय टू एंड थ्री तो टू के डिविजिबल उन्होंने बता दिया थ्री के डिविजिबल उन्होंने बता दिया हमने एक साथ लेके बता दिया आप अलग अलग लेकर भी बता सकते हो ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री एंड नाइन तो ये भी वही है थ्री का चेक करेंगे इसमें सब नंबर होगा नाइन का चेक करेंगे वो सबका सम निकालेंगे अगर वो नाइन के डिविजिबल है तो वो नाइन का हो जाएगा अगर वो थ्री का डिविजिबल है तो वो थ्री का होगा बट ऐसा भी है जो नंबर थ्री के डिविजिबल होता है जो नंबर नाइन के डिविजिबल होता है वो थ्री के डिविजिबल होता ही होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर थ्री के है वो नाइन के हो ठीक है नंबर डिविजिबल बाय नाइन A number divisible by 9 is always divisible by 3. Okay, always divisible by 3. But a number divisible by 3 is not divisible by 9. ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार के जो नंबर थ्री से डिविजिबल हो वो नाइन से भी हो लेकिन ये पक्का है कि अगर कोई नंबर नाइन से डिविजिबल है तो वो थ्री से भी डिविजिबल होगा ठीक है तो ये ये क्वेश्चन है जो आप कर लोगे ट्राई और इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो आपको अपनी नोटबुक में कम्प्लीट करनी है सारे क्वेश्चन सारे आ, ए बी सी डी सारे सब ट्राई करना है ठीक है बहुत ही ईजी है So today's homework is complete exercise 13.2.